ये आप देख रहे हैं सामने पत्थरों के ऊपर जो है ना पुरानी ड्राइंग्स बनाई हुई है, और ये काफ़ी पुरानी मुकदस रॉक्स में काउंट होता है इसका हमजा की। ये देखें थ्रू आउट ये रॉक वन है, और सामने आपको रॉक टू नज़र आ रही है, उसकी बैक साइड में रॉक थ्री है। बिल्कुल ही खुशगवार है, और ये बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर रहते थे काफ़ी जो है ना एंशिएंट, आपको इनकी ड्राइंग से अंदाज़ा हो जाएगा। इसको कवर किया गया, ये देखें गवर्नमेंट ऑफ बल्तिस्तान ने इसको जो है ना सेकर दिए, हिफाजती बाड़ लगा दी ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके। इस पर 83 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, मतलब हज़रत की वफात के 83 साल बाद जो है ना यहाँ पे कायम थी, और कई हज़ार साल बनते हैं और ये काफ़ी पुरानी है। देखें ना पूरे पहाड़ी सिलसिला, ये एंशियंट रॉक्स है, और कहा यह जाता है कि ये जो रॉक्स हैं ये पहले इन्हीं पहाड़ों का हिस्सा होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से जो है ना ये कोई अर्थक्वेक आया या कुछ भी इसकी वजह से अलहदा हो गई। ये पूरा एक कनेक्शन था, एक रूट था जो डिफरेंट गंदारा की जो तहजीब थी उसको दूसरे के साथ कनेक्ट करता था। वो सामने आपको चश्मा भी नज़र आ रहा होगा, तो ये एक काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। ये देखिए ऊपर तक जो है ना निशान बने हुए हैं, कहीं पे बिच्छू के, कहीं पे जाना मार्को मारकोट जो है का जो है नेशनल जो हमारा एनिमल है उसका जो है निशान बना हुआ। और वो जब लास्ट वाली रॉक्स हैं उसमें कहा यह जाता है कि वो शमन्स हुआ करते थे, क्योंकि इनका जो मारखोर की जो खोपड़ी है वो जो अक्सर आपने देखा गुमजा में वो उसको काफ़ी मुकद्दस जाना जाता है, तो उसमें जिसका एक चिल्ला होता है वो शमन्स चिल्ला काटते थे और फ्यूचर देख सकते थे ऐसा कुछ